नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। क्या आपकी भी कम उम्र में बालों के झड़ने से रातों की नींद उड़ी हुई है? तो चिंता न करें, यह है उसका चमत्कारी उपाय। दोस्तों, आजकल की टेंशन भरी और भागदौड़ वाली दिनचर्या में युवाओं में कम उम्र में बाल सफेद होना और झड़ना आम बात हो गई है। आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर टिप्स जिनसे आपके बालों का सफेद होना और झड़ना कम होगा। बालों का झड़ना रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है कि दिन में जब भी आपको वक्त मिले अपने नाखूनों को रगड़ें। ऐसा करने से बालों की जड़ों से मजबूती आती है और बालों का झड़ना कम होता है। तो आइए अब दोस्तों जानते हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो आपके इस समस्या से आपको निजात दिला देगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे के लिए सामग्री। काला तिल 50 ग्राम, सूखा आंवला 50 ग्राम, सूखा भृंगराज 50 ग्राम, मिश्री डला 50 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विधि। दोस्तों, काला तिल, सूखा आंवला, सूखा भृंगराज, मिश्री चारों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसमें से 6 ग्राम चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शाम खाकर ऊपर से 250 ml दूध पी लें। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य जीवन का पालन 1 साल तक करें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तिल के तेल की मालिश करने के 1 घंटा बाद तक तौलिया गर्म पानी में डुबोकर उसे निचोड़कर सिर पर लपेट लें तथा ठंडा होने पर दोबारा गर्म पानी में डुबोकर निचोड़कर सीने पर लपेट लें। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट लपेटे रहने दें तथा इसके बाद ठंडे पानी से सिर को धो लें। ऐसा करने से बालों की रूसी दूर हो जाती है और बालों का अन्य कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। 250 ग्राम काला तिल, 250 ग्राम गुड़ दोनों को सही तरह से कूट कर रख लें। इसमें से रोजाना 50 ग्राम चूर्ण को खाने से शरीर में ताकत आती है, इससे अधिक पेशाब नहीं लगता और सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। दोस्तों, इन नुस्खों में एक सावधानी भी है, गर्भवती स्त्री को तिल नहीं खिलाने चाहिए क्योंकि गर्भ गिरने की आशंका होती है, क्योंकि यह बहुत अधिक गर्म होते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस नुस्खे का पालन करके अपने बालों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।